खबर रांची से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया कल खत्म हो जाएगी। बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान को सफल बनाने को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड में दौरा होने वाला है। 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में प्रचार करने आएंगे पीएम मोदी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया, खाटशिला और बरकट्ठा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक झारखंड के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे अधिक सभाएं की जाएगी, ये संभावनाएं जताई जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की सभा के लिए सबसे ज्यादा मांग की गई है। धनबाद और गिरिडीह से सटे विधानसभा क्षेत्रों में बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी भी सभा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये मांग प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही है। झारखंड में प्रकाश पर्व 6 दिनों के बीच पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों मुख्यमंत्रियों की भी जनसभा होगी। इसके साथ पार्टी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, चुनावी हुंकार भरी जा रही है और ऐसे में पीएम मोदी चुनावी हुंकार को धार देते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि प्रकाश पत्र एक उत्सव है, उत्सवों का दौर है पूरे देश में। वैसे में झारखंड में एक महोत्सव की भी बात हो रही है, जो विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस महोत्सव में तमाम रैलियां की आयोजित की जाएगी। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची की जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी प्रथम चरण में 4 सभाएं की संभावना बताई जा रही है, तो इस प्रकार से सब के एक तरह से उत्सव के त्योहार, दूसरी तरफ है महोत्सव की त्योहार और उत्सव, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव को लेकर के इन तमाम दोनों उत्सवों के बीच में प्रधानमंत्री का आना एक निश्चित रूप से एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने और अपनी आकर के वहां जनसभाएं संबोधित की थी, और आप समझ सकते हैं कि राज्य में लोकसभा के चुनाव में भी उस तमाम परिस्थिति को बदलते हुए भी राज्य में 8 सीटें बीजेपी लेके आई थी, और ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्य में, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जनसभा करना निश्चित रूप से एक बड़ा समझे के परिवर्तन के तरीके से देखा जा सकता है। जिस प्रकार से लगातार बीजेपी आप सब तक चुनावों को देखते हुए लगातार परिवर्तन रैली, उसके बाद अब अमित शाह भी 3 नवम्बर को दौरा करेंगे झारखंड का, क्या कुछ उनका असर रहेगा? और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मांग की जा रही है, उनकी भी रैलियों की संभावनाएं जताई जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव और एक के बाद जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्रीय मंत्री और तमाम जो आप समझ सकते हैं बीजेपी शासित के मुख्यमंत्री भी इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं कि आदित्यनाथ योगी की आपने कई बार जो लोकसभा के चुनावों में उनको आमंत्रित किया गया था लेकिन किसी कारण बस वो नहीं आ पाए थे, तो निश्चित रूप से उसकी कमी जो है अब वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है, उनका लाभ अब मिल सकता है। लगातार बीजेपी प्रत्याशी जो सामान्य हिंदी पट्टी वाले जो क्षेत्र हैं, तो उनकी योगी आदित्यनाथ जी की जो है वो लगभग मान के चलिए कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए इनकी ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी अनेक जनसभाएं के संबोधित करें बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। निश्चित रूप से देख सकते हैं कि पीएम मोदी की भी उतनी बड़ी फैक्टर से है जितनी आदित्य योगी नाथ की हो सकती है। आप हिंदी आप समझ सकते हैं कि कोहलान के क्षेत्र से लेकर के कोयलांचल की धरती तमाम और तमाम रांची राजधानी समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जो प्रधानमंत्री के अलावे योगी आदित्यनाथ की भी जनसभाएं को लोग देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इन तमाम मंत्रियों का इन तमाम मुख्यमंत्रियों का आना निश्चित रूप से बीजेपी के एक बड़ा जलादेश पूर्व मिलने जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे में जनसभाओं का असर जनता पर कितना कुछ होता है देखना बेहद अहम होगा अजय। लेकिन सवाल यह भी है, क्योंकि 2019 में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनावी हुंकार भरी थी, उसका नतीजा सबके सामने आया था, इस बार कितना असरदायक रहेगा पीएम मोदी का?
2019 की बातें अगर कर ले तो निश्चित रूप से इस बार 2024 की जो चुनावी रण है निश्चित रूप से इसके विपरीत अलग है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार लगातार जो है अब बीजेपी अपनी चुनावी सभाओं को लेकर चुनावी को देखते हुए लगातार वो हुंकार भरी, जिस प्रकार से जो झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठी को लेकर के रोजगार के लेकर के बात कर ले या तमाम चीजों योजनाओं को करने की बात कर ले तो निश्चित रूप से 2019 में जिस प्रकार से सरकारें ने अपने वादा किया था उस वादे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। और वैसे में मुझे लगता है कि वो इस बार जो है विधानसभा चुनाव में इस साख की लड़ाई में बीजेपी को एक बड़ा जनादेश मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल संभावनाएं हैं कि इस बार बीजेपी अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जनादेश क्या कुछ आएगा देखना बेहद अहम होगा। सवाल ये भी है अजय, क्योंकि अंतरकला भी बीजेपी में खूब देखने को मिल रहा है और खास तौर पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर कई सीएम फेस है जिस पर दावेदारी कर सकती है, सबसे प्रमुख चेहरा कौन? देखिए पीएम निश्चित रूप से चुनावी तो मैदान है, चुनावी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एनडीए के फोल्डर में जो सीएम की जो चेहरा है वो निश्चित रूप से अब से सस्पेंस बरकरार है। निश्चित रूप से अंतर कला की बातें अगर की जाए तो जो राज्य के चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान और आप कह सकते हैं कि सह प्रभारी चुनाव प्रभारी है अमन बिश्वा, इन तमाम जो दोनों नेता धुरंधर के रूप में राजनीतिक धुरंधर माने जाते हैं और वैसे में तमाम जो आपने देखा होगा कि नामांकन जो चुनाव जो उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई थी उस घोषणाओं के बाद बीजेपी में अंतर कलह को देखने को मिली थी, लेकिन आप धीरे धीरे वो साफ नजर आता है और कई मनोबल की बातें हो गई और लगभग अब राज्य के कई जो नेता जो चुनाव लड़ने की तैयारी में कर रहे थे वैसे में अब क्या है कि अब मामला को शांत कर दिया गया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अब विधानसभा चुनाव के बाद अब किस तरीके से इस तरीके देखा जा सकता है और उनको अब किस तरीके से मदद की जाएगी आने वाला विधानसभा चुनाव ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए इन तमाम दोनों जो प्रभारी हैं निश्चित रूप से बड़ी सलीके से कई लोगों को नामांकन वापस भी कराया गया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी इस प्रकार से पूरी रणनीति के तहत बिल्कुल अजय बीजेपी की एक अलग रणनीति है, लेकिन ये मांग की जा रही है चुनावी प्रचार को लेकर कि सुवेंदु अधिकारी भी प्रचार करने आए, वो भी चुनावी हुंकार भरे, प्रत्याशियों के द्वारा ये मांग की जा रही है। निश्चित रूप से देखिए आप कह सकते हैं कि स्टार प्रचारकों में सुमिल अधिकारी भी एक बड़े नेता माने जाते हैं जो पश्चिम बंगाल से ये रखते हैं तालुकात रखते हैं, वैसे में जिसे आप समझ सकते हैं कि संसार के कुछ ऐसे क्षेत्र है जो मुखर है हिंदुवाद और की बात करते हैं। निश्चित रूप से आप मुझे लगता है कि जामताड़ा जैसे जगह आप समझ सकते हैं कि संसार के कुछ ऐसे सीटें हैं जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए बोकारो ऐसा जिले तो सुमिल अधिकारी एक बड़े नेता के रूप में माने जाने जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी झारखंड में प्रभाव बना उनकी जनसभाएं करना निश्चित रूप से बीजेपी को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में प्रत्याशियों की मांग है कि सुवेंदु अधिकारी भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। क्या कुछ आता है जनादेश, बीजेपी की रणनीति क्या इस बार कामयाब रहती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। जय बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।